नमस्कार दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है सा मैं हूं आप प्रसादी अनुजा और चालो खबरों जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश रा प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन रो शुभारंभ कर्या। ए मौका माते वणा 202 पूरक पोषण निर्माण इकायारी आधारशिला राखी। प्रधानमंत्री लुगायारी मदद खातर स्वयं सहायता समूह ने 1000 करोड़ रूपया री रकम हस्तांतरित कीनी। इनसू स्वयं सहायता समूह री करीब 16 लाख लुगाया ने फायदो वेलो। जनपदों के 202 विकास खंडों में पुष्टाहार इकाइयों का शिलान्यास करें। 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास, बटन दबा और शिलान्यास, निजी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करके नारियों के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त। 43 जनपदों के 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1000 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दब गया और बटन दबते ही हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लाख महिलाओं को लाभ पहुंच गया। एक बार हम और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दबा और बटन दबने के साथ ही हस्तांतरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण। सुरक्षित बालिकाओं का भविष्य, नारी शक्ति देश की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। माताओं बहनों, मैं यहां मंच पर आने से पहले मैंने बैंकिंग सखियों से, स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से बात की। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें माताओं बहनों, हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी किया जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र आपली उदयपुर यात्रा रे दूजा दिन आज महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय री काणीसू गोदलियड़ा गांव बड़गांव पंचायत समिति रा मदार गांव रो दौरो करया। इन मौका माते बड़ा गांव रा करसासू संवाद भी करया और उन्नत कृषि खातर काम में लीरी तकनीक और उपकरण बाबत जानकारी लीनी। करसा राज्यपाल ने जैविक खेती रे जरिए फल और फसला रा उत्पादन री जानकारी दीनी। उद्योग और वाणिज्य राजकीय उपक्रम और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत सीकर जिला में राज्य सरकार रा 3 बरस की उपलब्धियां माते राखी गई विकास प्रदर्शनी रो उद्घाटन करया। इन मौके वणा जिला दर्शन पुस्तिका रो भी विमोचन करया। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ वणा कया कि विकास प्रदर्शनी रे जरिए लोगों ने केवल प्रदेश में सरकार री काणीसू करया गया विकास कामा री जानकारी मिल रही है, बल्कि न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी भी दी जा रही है। नीति और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का जो सोच है, जो विजन है, जो विकास की सोच है और हर ढाणी, हर गांव, हर तबका और हर वर्ग को टच करने वाली योजना है। आप देखेंगे कि चिरंजीवी योजना से जो जोड़ रहे हैं, इसमें एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को जुड़ना चाहिए और उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या कर रही है आपने देखा अभी कि जो जुड़ेगा उसे संबल के रूप में 100 रुपए और देंगे कि तू जुड़ तो सही, और उससे इतना लाभ होगा। मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि कोई भी मेरे राजस्थान का कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बेटा, कोई बेटी यहाँ से इलाज के अभाव में प्राण नहीं त्यागे। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज झुंझुनू जिलारी कई परियोजना बारो वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण करया। वणा मंडावा में RUIDP रा 4था चरण रे तहत 111 करोड़ 32 रुपया री लागत रा STP नलकूप ट्रांसमिशन पाइपलाइन और जलाशय रो पंपिंग स्टेशन रो शिलान्यास करया। वणा कया कि जिला रा विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जावेली। वहीं बीकानेर राज्य जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया जिला प्रमुख माथे विकास प्रदर्शनी में कई योजनाओं लोकार्पण कर्या। एण मौके वणाजिला दर्शन पुस्तिका आर जिलारी पर्यावरण नीति और नवी वेबसाइट लॉन्च की। एण मौका माते वणा लोगा सू हताई करर सरकार री काणी सू कर्या जा रहा नवाचारा री जाणकारी दीनी। देखिए, मैं तो राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था 3 साल पहले, उस पर मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार खरी उतरी है और हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य संबंधी। आपको पता है कोविड 2019 में आने के बाद में किस प्रकार का प्रबंधन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का वो सबके सामने है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर बेहतर कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में राजस्थान में पहली बार काम हुआ है, जिसकी तारीफ भारत सरकार भी करती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। राज्य सरकार ने 3 बरस की उपलब्धियां ने लेर आज दौसा जिला में विकास प्रदर्शनी उद्घाटन पर्यटन और प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह कर्या। इन मौका माते चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में दोनों मंत्री न्यारा न्यारा महकमा रा एड़कारा सु प्रदेश सरकार री कई लोक कल्याणकारी योजना वारा क्रियान्वयन रो फीडबैक लीना। चिकित्सा मंत्री कहा कि दौसा जिला री पेयजल समस्या ने बेगो ही सुलझावे और 2023 ताई हरेक गांव में इसर्धा परियोजना में पानी मुहैया कराया जावेलो। दृष्टि रखते हुए कुल 1079 गाँव में 747 गाँव को इसर्धा बांध से पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु 4058.12 करोड़ एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत 332 गाँव को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 454.75 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो मैनिफेस्टो की जो हमने इलेक्शन में को लेकर उतरे थे, उसको अगले 2 सालों में कंप्लीट कर करके जो वायदे जनता से किए थे, जैसा मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उन्होंने एक नारा दिया है कि आपका विश्वास हमारा प्रयास, तो हम प्रयास को पूरा करेंगे। और चलो अठेले से थोड़ी सी विसाई पे गई बच्चा वाला। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Your gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अभिसारे पचे एक बार फिर सु आपनो स्वागत है सा। प्रदेश का 4 जिला कोटा, बारा, करौली और श्रीगंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनावी मतगणना आज पूरी हुई। शीतलहर और कोहरा ने देखता हुआ मतगणना 2 घंटा मोड़े शुरू हुई। मतगणना रे टेम करड़ा सुरक्षा बंदोबस्त भी कराया गया है। प्रधान और जिला प्रमुख रा चुनाव 23 दिसंबर ने वहला, जबकि उप जिला प्रमुख और उप प्रधान रा चुनाव 24 दिसंबर ने वहला। वटे राज्य सरकार रो 3 बरस रो कार्यकाल पूरा होवा माते जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी चाल रही है। इनमें राज्य सरकार के योजनावा और काम री जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रदर्शनी में शिक्षा महकमा री काणीसू सरकारी मॉडल स्कूल और दूजी योजनावा बाबत भी बताया जा रहा है। वटे ही कृषि महकमा री स्टॉल माते करसा ने जैविक कृषि उत्पादन बाबत भी लोगों ने सावचेत करो जा रहा है। वन महकमा री स्टॉल माते घर घर औषधि योजना के तहत औषधीय पौधा भी बांटा जा रहा है। के द्वारा जारी किया गया एक तो बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसके बारे में, जैसे ये वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कि वोकेशनल एजुकेशन के तहत क्या क्या ट्रेड चल रहे हैं स्कूल्स में और बच्चे उन ट्रेड्स का किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से ये मिशन बुनियाद के तहत जो है बालिकाओं को 4000 बालिकाओं को टैबलेट वितरण किया गया है। इस टैबलेट के माध्यम से जो है बालिकाएँ अपना लॉगिन आईडी करके और जो इसमें कोर्स प्री फील्ड है, पहले से फीड है, उस कोर्स को जो है वो पढ़ सकती हैं और अपना आईक्यू लेवल और जो है कोरोना काल में जो इनको दिक्कत हुई थी उससे वो उभर सकते हैं, उसको ये बच सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव ने तहत सीमा सड़क संगठन री काणीसू काड़ेगी मोटरसाइकिल रैली बाड़मेर रात धोरी मन्ना पूगी। इन बगत जवाना रो स्वागत भी करो गयो। चेतक प्रोजेक्ट राजस्थान 95 आरसीसी रा ऑफिस कमांडिंग विजय जोगदंड कया कि आजादी रा 75 बरस पूरा होवारा उपलक्ष्य माते यह रैली राखी जा रही है। बाइक रैली बाड़मेर, बीकानेर, अमृतसर, फिरोजपुर सू होता व्या 25 दिसंबर ने दिल्ली पूगेली। और आज हम रात को अभी बाड़मेर पहुँचे। इसके माध्यम से ये पूरा जो हम 75 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं बीआरओ एक्सपीडिशन, इसके माध्यम से एम ये है हमारा कि हम जितने भी हमारे बीआरओ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बीआरओ का काम चल रहा है बॉर्डर्स पे, इसके माध्यम से लोगों को अवेयर कराएं, नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज दें। हमारे वॉर वेटरन्स, हमारे विडोज़, वॉर विडोज़, इन सब से हम मिलें। इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यूथ की तरफ जाना चाहिए इस बीआरओ एक्सपीडिशन के माध्यम से, जिसमें हम उनको मोटिवेट करें कि वो बीआरओ ज्वाइन करें, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें, गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करें। ऐसा हम जो मैसेज है इस बीआरओ एक्सपीडिशन के माध्यम से हम फैलाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अबार ताई 138 करोड़ 26 लाख 32 कोविड टीका लगाया जा चुका है। निर्माय 82 करोड़ 32 लोगों ने पहली डोज और 55 करोड़ 43 लाख 32 लोगों ने दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में अबार ताई 7 करोड़ 71 लाख 32 कोविड टीका लगाया जा चुका है। 4 करोड़ 53 लाख 32 लोगों ने पहली और 3 करोड़ से ज्यादा ने दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे डिजिटलीकरण योजना के तहत रेलवे स्टेशनों ने वाईफाई से जोड़ो जा रहा है। इन तहत उत्तर पश्चिम रेल मंडल रा जयपुर स्थापित रेलवे स्टेशन ने वाईफाई से जोड़ो गयो है। इनसू 8 काम करवाड़ा कर्मचारियों के अलावा 8 आवाड़ा यात्रियों ने निःशुल्क और स्पीड इंटरनेट सुविधा मिल पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का, और उसी के अंतर्गत भारतीय रेल को भी डिजिटल रेल बनाकर दुनिया के सबसे डेवलप्ड रेलवेज़ के लेवल पे लाने की उनकी इच्छा और निर्देश है, जिसमें हम लगे हुए हैं। जो भी रेल परिसर पे आता है वो वाईफाई स्कैन करके उसमें रेल वायर की ऑप्शन आती है, उसे वो सिलेक्ट करके उस पे उसे अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने पर एक उसको ओटीपी आता है, जिसे वो अगर फीड कर दे तो बड़े आराम से वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट ब्राउज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन वो डाउनलोड करना चाहता है या देखना चाहता है वो रेलवे परिसर पे वो बैठ करके कर सकता है। वाईफाई से तो सब कुछ सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, हर चीज़ ऑनलाइन, पूरी कनेक्टिविटी ऑनलाइन है, तो वाईफाई तो वैसे भी यूज़फुल है। अपना टिकट ले लो या फिर कोई और अर्जेंट स्टूडेंट्स वगैरह है, उनका कुछ अर्जेंट है, कोई एग्ज़ाम है, कुछ टाइमिंग वगैरह देखना है, कुछ कंफर्म करना है, तो वो सब चीज़ के लिए यूज़फुल है। नहीं, काफ़ी अच्छा मूव है, मतलब कमेंडेबल है, बहुत अच्छी बात है ये, ऐसा करना चाहिए था काफ़ी पहले, बट अभी हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। सीपीआरओ शशि किरण बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे रा करीब 586 स्टेशन मायसू 419 स्टेशन माते वाईफाई री सुविधा मिलवा लागी है। वड़ा कया कि बेगो ही बाकी रिया स्टेशन ने इन योजना सू जोड़े जावेलो। नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उसको साकार करने के लिए रेलवे कृत संकल्प है, और इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अपने 419 स्टेशनों पर ये वाईफाई जो हाई स्पीड सेवा है, इंटरनेट सेवा, इसकी शुरुआत की है। हमारे जो 4 मंडल हैं, जयपुर में 89 स्टेशनों पे, और जोधपुर 120 स्टेशन पे, अजमेर 86 स्टेशन पे, और बीकानेर में 124 स्टेशनों पर ये सुविधा ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। हमारे जो टोटल 586 स्टेशन है, इसका हमारा लक्ष्य है कि शीघ्र ही सारे स्टेशनों पर भी ये सुविधा प्रारंभ कर दी जाए। ये काम हमारी भारतीय रेल की एक उपक्रम है रेलटेल, जिसके द्वारा ये कराया जा रहा है, और अभी तक पूरे भारतीय रेल में 6070 स्टेशनों पर ये सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेज वगैरह हैं, कोई भी ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो आराम से इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के कुछ समय पहले यहाँ कई बार नेट बंद करने जैसी समस्याएं आती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो निःशुल्क वाईफाई की जो सुविधा रेलवे के द्वारा यहाँ दी जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जयपाल राज जवाहर कला केंद्र में राज्य सरकार रा 3 बरस पूरा होवा माटे कई महकमारी प्रदर्शनी राखी जारी है। इनके तहत आज पैरालंपिक शूटिंग 2021 में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा इन प्रदर्शनी में सरकार री उड़ान योजना रे बारे में जानकारी दी। इन मौका माटे सैनिटरी नेपकिन माटे जागरूकता ने लेर अवनी लेखरा कहा कि उड़ान योजना शू शहरार गांवारी छोरिया ने फायदो मिल रो है। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़की के साथ होती है और कई छोटे छोटे गांव में बहुत लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके पास सही सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होते, चीज़ें नहीं होती, जिस वजह से उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं और ऐसी बीमारियां जिनका बाद में इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये योजना से हम उन सबको हेल्प कर रहे हैं और उन सबको मतलब इट इज़ अ डेली नीड और इससे बहुत मतलब मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी योजना है। केंद्र सरकार रा कपड़ा मंत्रालय री काणीसू आज जयपुर में पैठनी साड़ी रा बारा में जानकारी खातर प्रदर्शनी राखेगी। प्रदर्शनी में एक डूटी डिजाइन, नाराडी बॉर्डर, मुनिया बॉर्डर और फ्लावर डिजाइन री कलात्मक साड़ियां प्रदर्शन खातर राखी गई है। 35,000 शुरू हो या करीब 3.5 लाख रुपया तायरी साड़ी अठे मिल रही है। इन साड़ी ने बनावा में कोई 6 महीना सू 1 बरस रो टेम लागे है। पैठनी साड़ी के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है जिसमें डिस्प्ले और लाइव डेमोंस्ट्रेशन पैठनी साड़ी का किया जा रहा है। इसमें श्री रमेश परदेसी नेशनल अवार्डी अपने कार्य जो है प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन हमारी लूम पर चल रहा है। तो मेरा आग्रह है, जनमानस से आग्रह है, सब लोग यहाँ पर आएँ और पैठनी साड़ी के बारे में जानकारी लें। साड़ी की पहली बात खासियत ऐसा है कि पूरा हैंडलूम का साड़ी, वैसा सिल्क में बनता है, कॉटन में बनता है, ये सिल्क में है, वो कॉटन में है। ये साड़ी में प्योर सिल्क और प्योर हैंडलूम के इसमें बनता है और ये साड़ी हैंडलूम के बनने की वजह से मार्केट में इसका क्रेज है। हर किसी को पैठनी साड़ी चाहिए हैंडलूम का। अभी वैरायटी देखो, इसमें साड़ी बनता है, सलवार कमीज बनता है, अभी लहंगा बनने लगा है। ये जो मार्केट में जो कस्टमर है जो हमसे चाहते वो हम सब बना देते। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में चाल रहा 24वां लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार लोक कलावारी लुभावनी प्रस्तुति देर देखबाड़ा ने मजो आख्यो। कार्यक्रम में राजस्थानी बाल कलाकार मांगणियार बालवृंद की प्रस्तुति सू देखबाड़ा खुश रह गया। लोकरंग जलसा के तहत केरल रो मयूर नाच भी दिखायो गयो। प्रदेश में कड़ाका रा जाड़ासू लोगारा जीवन माते असर पड़ रो है। उत्तरी हवा रे चालता हुआ प्रदेश में कड़ाका री सर्दी रो दौर बने हुए है। जोबने सीकर, चूरू, फतेहपुर, करौली और माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु सू नीचे पूग गयो है। वही राजधानी जयपुर में कमोकम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबाला 2-3 दिन ताय शीतलहर रो असर बनो रहेलो। और एक बार फिर से जो वह मोटी खबर। चलो बार इन बुलेटिन में नमस्कार।